और साथ में कुछ हरारत या बुखार हो रहा है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, 2-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें भी कोरोना टेस्टिंग के ग्राउंड्स हैं, आपको कराना चाहिए। ठीक है, नमन, नमस्ते, नमस्कार, मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ENT की, ईयर नोज थ्रोट, स्पेशली कान की। क्या कान से कोरोना फैल सकता है, तो जानेंगे एक्सपर्ट से, ENT के एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष मुंजाल से। कान, नाक और गला एक ही ऑर्गन के तीन पार्ट हैं। जो हमारा इनर लाइनिंग है वो कॉमन है। कान से डायरेक्टली तो कोरोना अंदर एंटर नहीं कर सकता। एंट्री के लिए कान या तो नाक या गले के अंदर, जो कि हमारी श्वास नली हैं, उससे कोरोना वायरस अंदर जाएगा, कोई भी वायरस। लेकिन नाक के पीछे और गले के ऊपर एक नलकी होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब हमारे कान तक गले और नाक को कनेक्ट करती है। अगर आपको ज़ुकाम खांसी, भले ही वो कोरोना का ज़ुकाम खांसी हो, उस ट्यूब से निकल के जाए, जैसे आप छींक दें या बहुत तेज नाक साफ करें और आपको नहीं पता आपको कोरोना है, तो वो कान में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। अभी ये बताना बहुत जल्दी होगी कि वो कान में कोरोना अलग से क्या डैमेज कर सकता है। अभी तक उसके यही लक्षण हैं कि वो कान में जैसे और वायरल इन्फेक्शन, दर्द, कान का बहना, कान का बंद होना, ये सब करते हैं, वो भी कोरोना करता है। लेकिन मेरा यह आपको इस चीज़ का जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ज़ुकाम खांसी से ज़्यादा कान के लक्षण भी हों और साथ में कुछ हरारत या बुखार हो रहा है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, 2-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें भी कोरोना टेस्टिंग के ग्राउंड्स हैं, आपको कराना चाहिए। ठीक है, <स्थाथ>